हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। हम लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए और देखो बारिश स्टार्ट हो गई है। ये लोग चले गए ऊपर, उद्धव ये, और अनन्य नहीं जा रही है, उसको हो रहा है फीवर, तो वो घर पे ही रह रही है। तो थोड़ा सा घूम के आते हैं, देखते हैं बारिश हो गई कहाँ तक जा पाते हैं। देना मम्मी वो थैला, बारिश स्टार्ट हो गई। देखो लग रखा ना, अभी ना हम लोग निकल गए कैमल बैक रोड की तरफ से, क्योंकि ना माल रोड में काम चल रहा है, तो हम लोग इधर से जा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा रूट है लेकिन इधर से जा रहे हैं, और अभी ना बारिश भी हो रही है। हम लोग इधर से आए तो इधर देखिए इतना ज्यादा ट्रैफिक, ना एक गाड़ी कोई टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हो जाती है तो फिर सारा ट्रैफिक हो जाता है। फिर हम लोग शॉर्टकट से निकले ऊपर एवलॉन रिजॉर्ट की तरफ से, तो फिर हमें रास्ते में ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और चढ़ाई भी इतनी ज्यादा डेंजरस थी। और ये ना सारा व्यू आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा, और इतने सारे सुंदर सुंदर रिजॉर्ट है ना, मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलरफुल। उसके बाद हम लोग नीचे को आ गए थे किताबघर साइड, और ये है किताबघर, तो गांधी चौक किताबघर, जो ये बस अड्डा है वो भी नीचे ही है, टैक्सी स्टैंड नीचे वाली रोड में। और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। तो मौसम आज ना थोड़ा थोड़ा क्लाउडी सा है, तो इससे भी थोड़ा सा क्लाउड कम है, इवनिंग में ज्यादा होता है। तो अभी हम लोग निकल गए इस साइड से, तो अभी हम जा रहे हैं दलाई हिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग रिक्शे में भी जा रहे हैं, अपनी गाड़ियां भी हैं। तो हम लोग स्कूटी पार्क करने के बाद अंदर दलाई हिल की तरफ जा रहे हैं। स्कूटी में कोई लगाएगा तो नहीं, ये ना यहाँ पार्क करें, दुकान वाले नहीं ले आया ना। इधर जॉर्ज एवरेस्ट पीक दिख रही है, जो मैं पहले गई थी ना जब नेक्स्ट लास्ट ईयर आई थी, तो ये है, मैं पिटाई कर दूंगा, यहाँ पर दिख रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। इधर पे है जॉर्ज एवरेस्ट पीक, यहाँ पर ना उधर बहुत परेशान कर रहा था तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो फोटो क्लिक करी थी वो दिखा रही हूँ। ये मंदिर है, एक छोटा सा बुद्ध टेम्पल, बहुत ही अच्छा है। हम लोग गए नहीं अंदर, अंदर नहीं गए, लेकिन यहाँ पे बहुत आके शांति और एकदम पूरा बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल है ये तिब्बतन स्टाइल में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल भी बनाए हुए लोकल लोगों ने, तो ब्रांस का जूस और आलू बुखारा ये सब चीजें मिल रही थी यहाँ पे, कैंडी वगैरह है। और काफी ज्यादा टूरिस्ट है, कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये लिखा हुआ, इसमें एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे साफ सुथरा रखना है। तो काफी ज्यादा लोग आते हैं, गंदा करके जाते हैं, गंदा छोड़ते हैं यहाँ पर, फिर भी उस हिसाब से सही था, लेकिन और जगह मैंने देखा यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा करके जाते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस तरह से प्लास्टिक वगैरह ना फैलाएं, जो भी है अपने साथ लेके जाएं। बहुत चढ़ाई है, फिर उद्धव को भी लेके आ रही हूँ मैं, तो थक लग रही है। और हम ना जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना फिर बारिश हो जाएगी तो फिर अच्छा वाला सीन हो जाएगा, भीग जाएंगे हम बारिश से। चलो फाइनली पहुंचे हम दलाई हिल, जिसके लिए हम सुबह से भटक रहे थे, पहले कैंसिल हुआ फिर। जाओ जब हमें ड्रेस देना चाहिए, ले लो जाओ, चीजें लेके आओ। फाइनली हम लोग पहुंच गए दलाई हिल, इतना टाइम लग गया इधर आने में। हेलो,
से हैं, अकेडमी है जो LBS उसका है ये, मतलब उनके अंदर में ये फील्ड वगैरह सारा। और ये कह रहे मेरा स्कूल है इधर ये KV, और पूरे कैम्प्टी फॉल वाला एरिया दिख रहा है ना, कैम्प्टी फॉल के गाँव है जितने सारे, इधर से ना नीचे जाने के लिए भी है। पहले हम लोग आते थे ना यहाँ अकेले तो कोई भी नहीं था भीड़, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो डेवलप हो जाती ना सारी चीजें, तो वही सीन है मसूरी में, तो कोई एरिया ऐसा नहीं है जो छूट गया हो टूरिस्ट के लिए। यहाँ नीचे नीचे तक गए हैं लोग, यहाँ तक शॉप में ना छिंतले लगाए हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको, चीड़ के पेड़ में होता है ना जो। और यहाँ पर ना इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे से स्टॉल और दुकान लोगों ने बनाई हुई है अपनी, और ना नीचे पहाड़ियां हैं तो नीचे लोग काफी लोग गए हुए हैं, तो हमारे साथ उद्धव है हम नहीं जाएंगे। इतनी सुंदर सुंदर ग्रीन पहाड़ियां हैं यहाँ पर, और ना आज बारिश भी लगी हुई है, तो बारिश ना एकदम टेढ़ी आ रही है, हल्की हल्की बूंदे आ रही है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इधर आ गई नीचे, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और ना मोमोज ऑर्डर करवाए हैं वेज तो बन रहे हैं अभी, और उद्धव खा रहा अपने चिप्स, तो बारिश ना इतनी हल्की हल्की आ रही है और हवा के साथ आ रही है टेढ़ी टेढ़ी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तेज बारिश नहीं होनी चाहिए। और इधर नीचे आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, बहुत सुंदर है बहुत ज्यादा। बस ये कि उद्धव नहीं आता ना तो सही रहता है, वो परेशान करता है तो वीडियोस वगैरह बनाने नहीं देता बिल्कुल भी। यहाँ पे हम लोगों ने मोमोज ऑर्डर करे थे, वेज मोमोज, तो हम लोग खा रहे हैं, और ना इन्होंने तब तक पीछे से गाना चला दिया था तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। उद्धव नहीं खा रहा है, वो चिप्स खा रहा है अपना, चिप्स किसी को शायद मैं शेयर नहीं करेगा वो। और तेज बारिश हो गई थी इस टाइम पे, हम लोग ना हल्का हल्का भीग गए थे, हवा कितनी तेज चल रही है। गुड बाय, डॉगी आ गया, डॉगी अभी हम लोग आ गए नीचे, तो अब घर की तरफ निकलते हैं, तो मोमोज भी खा लिए हैं और बारिश फिर से बंद हो गई है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग आ गए, अब लोग हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और बारिश भी आ रही है, बंद हो रही है, तो फटाफट से निकलते हैं। मुझे तो पानी पीना है। इसको पीना है पानी, ये लो पानी। हाँ, पियो। इधर उधर भाग रहा, खुला देखता है ना तो सारे में भागने लगता है, और फिर से प्यास लग रही है। कह रहा है क्या सुंदर नजारा है, कितना सुंदर नजारा है ना उधर, बोलो कितना सुंदर नजारा है। तो यहाँ है घर, उधर नहीं है। चलो तो यहाँ पे ना बुरांस का जूस मिल रहा है, यहाँ पे फेमस होता है मसूरी में पहाड़ों में बुरांस। 30 का नहीं ग्लास, 30 का नहीं। बता रहे थे ना उनका। अच्छा अच्छा, आजकल तो नहीं हो रहे ना ब्रांस ना, वो खत्म हो गए घर का बना हुआ ब्रांस का जूस, मुझे पीना था, ये बहुत टेस्टी हो रहा है, मजा आ गया, यम्मी वही तो। हाँ। थैंक यू, एक ग्लास लो दो, एक हाँ सिप करो, वेरी गुड। कैसा हो रहा उधर, यमी है ना, जूस पिलो, जूस पूरा उसका पहाड़ी जूस। अभी हमने जूस पी लिया, बहुत ही अच्छा हो रहा था जूस, बुरांस का जूस, पहाड़ी जूस बोलो, एकदम ऑर्गेनिक है।
ये है किताबघर गांधी चौक। तो इतनी ज्यादा जो भी यहाँ पे शॉप वगैरह है तो वो दिखा रही हूँ मैं आपको। काफी ज्यादा लकड़ी वगैरह का काम होता है और काफी अच्छे अच्छे आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं यहाँ पर और हवाघर बने हुए जगह जगह। देहरादून दिख रहा है यहाँ से, आज बारिश होती है ना उस टाइम, उसके बाद इतना क्लीन क्लियर दिखता है और रात को लाइट्स दिखती है। तो मसूरी से देहरादून और देहरादून से मसूरी बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये पूरा किताब घर है, अभी काफी ज्यादा शॉप है यहाँ पर भी, लकड़ी के काम हो गया, आपको कश्मीरी शॉल कश्मीरी कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर ये तिब्बती मार्केट है तो काफी बड़ी शॉप है, मतलब काफी ऊपर तक है शॉप। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत लिया सामान और फोटो वगैरह क्लिक कराई, फिर घर की तरफ निकल गई क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, बहुत काले काले बादल हो रहे थे। तो मसूरी के मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। उसके बाद ये हमारे मकान मालिक हैं जो मम्मी लोगों लैंडलॉर्ड, तो यहाँ से हमने स्वीट्स वगैरह लिया, रसमलाई ली मैंने, उसके बाद निकल गए घर की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था। होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।